जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि लीवर डैमेज हो चुका है, उस समय आपके अंदर क्या सोच थी? उस समय टेंशन तो बहुत ही, क्योंकि पहले तो एक हमारा बेबी पहले भी ऐसा हो चुका था, तो उसके बाद ये थी, उसके बाद हमारा और बेबी कोई नहीं था, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट होना, तो टेंशन तो बहुत ही, और एक मुझे प्रेगनेंसी भी थी तो उसको भी बचाना था, तो फिर डॉक्टर से हमने थोड़ा टाइम मांगा था, अभी हमें टाइम चाहिए। तो इस केस में आपको कैसा लगा जब छोटी सी बच्ची आपके पास आती है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए, बच्चों का जो इलाज करना था वो बहुत एक तरह से स्पेशल होता है, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि बच्चों को वो बीमार देखे, पर बच्चे जब इस सिचुएशन में आते हैं जिसको उनकी एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये भी मालूम है कि अगर हम लोग इनका इलाज सही समय पर करें और सही समय पर इनको पूरी तरह से अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकें तो इनमें सक्सेस रेट हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिफिकल्ट काफ़ी था, हमें एक बच्चे को घर पे छोड़ना और एक को लेकर जाना काफ़ी डिफिकल्ट। तो प्रवीण के किस्में भी हमें ऐसा ही पता चला था, इसको शुरुआत से काफ़ी टाइम से जॉन्डिस चल रहा था, डायग्नोसिस हो नहीं पाया था। जब डायग्नोस हुआ, एक बार जब हमें पता चला कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारी जब बातचीत चली, तब हम एक बार हमने तय कर लिया कि जब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तब इनको हमने बैंगलोर बुला लिया था। ऑपरेशन के बाद ठीक थी, नॉर्मल थी, कोई ऐसा नहीं था, 14 दिन एडमिट रही है, उसके बाद में ठीक थी। तो बाद में जैसे पित्त की नली में वो ब्लॉकेज आई थी, और हेल्दी भी होगी, खाना भी अच्छे से खा रही थी, और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, ये छोटा सा, इतना बड़ा सर्जरी हो गया, ये तो छोटा सा है, कोई बात नहीं। एक जाता लीवर की बीमारियां उम्र के साथ आती हैं, लेकिन जन्मे बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है? देखिए, लीवर की प्रॉब्लम किसी भी उम्र में हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम होने के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों की जैसे बात करते हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उनको जेनेटिक होती है, डेवलपमेंटल होती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है एक बार, लेकिन आज हम आपसे ऐसी माँ से मिलाएंगे जिसने अपने बच्चे को 2 बार जन्म दिया। जी हाँ, ये कहानी आज के युग में सच है, इसको सच कर देने वाली वो माँ भी आज हमारे साथ है और वो बच्ची भी आज हमारे साथ है। कहानी ऐसी है कि बच्ची का लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की जरूरत पड़ती है, और उस समय माँ ने अपना लीवर देकर बच्ची को दोबारा जन्म दिया। तो हमारे साथ मौजूद है वो माँ भी जिससे हम आपसे बातचीत करवाएंगे। स्वागत है आपका लाइव भारत में। आपकी बेटी कितने सालों की है? अभी 7 साल, 7.5 साल की है। 7.5 साल की। कितने देर में आपको पता चला कि बच्ची का लीवर खराब है? हमें 1 साल पहले मालूम हुआ था कि इसका लीवर जो है डैमेज हो गया है। तो आप ट्रीटमेंट कैसे करवा रहे थे? हम तो पीजीआई में जा रहे थे, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, और जब लॉकडाउन हुआ और वहाँ पर उन्होंने पेशेंट लेना जो बंद कर दिया था, तो फिर हम पार्वती हॉस्पिटल में आए, तो हम नवतेज सिंह सिद्धू सर से मिले, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि इसका जो लीवर है वो डैमेज हो गया, और इसका जो हल यही है कि लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा, और मेडिसिन से तो ये नहीं ठीक होने वाला, तो आपको ये करवाना ही पड़ेगा। जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि लीवर डैमेज हो चुका है, उस समय आपके अंदर क्या सोच थी? उस समय टेंशन तो बहुत थी, क्योंकि पहले तो एक हमारा बेबी पहले भी ऐसा हो चुका था, तो उसके बाद ये थी, उसके बाद हमारा और बेबी कोई नहीं था, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो टेंशन तो बहुत थी, और एक मुझे प्रेगनेंसी भी थी, तो इसको भी बचाना था, तो फिर डॉक्टर से हमने थोड़ा टाइम मांगा था, अभी हमें टाइम चाहिए, तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बाद बाद में फिर हमने प्लान किया। तो डिफ़िकल्ट काफ़ी था, हमें एक बच्चे को घर पे छोड़ना और एक को लेकर जाना काफ़ी डिफिकल्ट था, पर मोस्टली ये था कि इसे भी बचाना था। दूसरा बच्चा कितना बड़ा आपका? दूसरा बच्चा जब हम इसे लेकर गए थे तो वो 6 मंथ का था, 6 मंथ का, अभी वो 1 साल और 2 महीने का हो चुका है। 6 महीने का बच्चा घर पे छोड़ के आप लगभग 6 साल की बच्ची को बचाने के लिए अपने प्रदेश से बाहर चले गए, इसे भी बचाना जरूरी था, और उस अगर ये देखती उसे नहीं छोड़ती तो फिर ये नहीं बच पाती, तो इसे भी देखना था। तो आपका कितना समय लगा इसके इलाज में? हमारे 7 महीने वहाँ पर बेंगलोर में लगे हैं। बेंगलोर में 7 महीने? तो ऑपरेशन भी बेंगलोर में ही हुआ? बेंगलोर में ही हुआ, ऑपरेशन भी वहाँ पर ही हुआ। ऑपरेशन के बाद बच्ची के हालात कैसे सुधरे? ऑपरेशन के बाद ठीक थी, नॉर्मल थी, कोई ऐसा नहीं था, 14 दिन एडमिट रही है, उसके बाद में ठीक थी। तो बाद में जैसे पित्त की नली में वो ब्लॉकेज आई थी, और हेल्दी भी होगी, खाना भी अच्छे से खा रही थी,
और डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, जे छोटा सा, इतना बड़ा सर्जरी हो गया, जे तो छोटा सा है, कोई बात नहीं, 1-2 महीना और लगेगा तो ठीक हो जाएगी। अब जे बच्ची को जब डोनर की जरूरत पड़ी तो पहले किसकी ऑप्शन आपके दिमाग में आई? पहले तो इसके बड़े पापा ने बोला कि मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद इसके पापा ने बोला भी नहीं, रिस्की है, अगर किसी को कुछ हो जाता तो काफ़ी रिस्की है, तो उसके पापा ने बोला शायद मैं दे देता हूँ, और उनका लीवर फैटी था तो वो भी नहीं दे सकते थे, और उसके बाद में फिर मैंने कहा कि मैं दे देती हूँ। तो मेन प्रॉब्लम यही थी कि मुझे प्रेगनेंसी थी, 5 महीने की थी, तो फिर डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला अभी प्रेगनेंसी के बाद में हम करेंगे इसका लिवर ट्रांसप्लांट। तो आपकी डिलीवरी के कितने दिन बाद आपने एक और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए एग्री हो गए आप? हमने तो पहले ही सोचा था कि डिलीवरी के बाद, जब डॉक्टर सर ने बोला था कि इतनी जल्दी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो जब इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया, तो फिर आने का सोचा वहाँ पर। मेरा सवाल था डिलीवरी के कितने दिनों बाद आपने अपना लीवर डोनेट किया? डिलीवरी का 7 महीने, 7 महीने, क्योंकि 1 महीना हमें वहाँ पर लग गया टेस्ट वगैरह करवाने में, और 7 महीने बाद। लीवर डोनेट करना भी एक तरह से किसी बच्चे को जन्म देने के बराबर ही है, यानी कि आपने 7 महीने बाद एक और बच्ची को जन्म दिया, उस बच्ची को जिसको आप 7 साल पहले जन्म दे चुके थे। जी जी बात है, कैसा लग रहा है आपको एक ही बच्ची को 2 बार जन्म देने के बाद? अच्छा लग रहा है, अभी बच्ची कैसी है? अभी ठीक है। बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? रबगुण कौर। रबगुण कौर। मम्मा अच्छे हैं? पापा भी अच्छे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट। स्कूल कौन सा है? सतवीर पब्लिक स्कूल, संत कबीर। तो ये बच्ची वो है जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, और हम बात करें ये गलत नहीं होगा कि इसका दूसरा जन्म है ये, और इसका दूसरा जन्म देने वाली इसकी माँ ही है जिसने इसको दूसरा जन्म दिया, और आज इस दुनिया में बच्ची जिस तरह हंस खेल रही है और आपके सामने बोल रही है, इसके कारण इसकी माँ का ही बड़ा दिल है और माँ का ही अंश है जिसने इसको दोबारा इस दुनिया में हंसने के लायक बुलाया। तो हम इसी कड़ी में इनके सर्जन से भी बात करेंगे, इनके डॉक्टर से भी बात करेंगे, और जानेंगे कि इनके ऑपरेशन कैसे किया और किस तरह रहा सक्सेस। तो दूसरा जन्म लेने वाली जिस बच्ची को हमने दिखाया, उस बच्ची को दूसरा जन्म देने में माँ के साथ जिस सर्जन ने हेल्प की, आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अस्थाना, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका लाइव भारत में। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपके पास केस तो आते होंगे लीवर ट्रांसप्लांट के, तो आप सर्जरी करते हो, तो इस केस में आपको कैसा लगा जब छोटी सी बच्ची आपके पास आती है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए बच्चों का जो इलाज करना होता है वो बहुत एक तरह से स्पेशल होता है, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि बच्चों को वो बीमार देखे, पर बच्चे जब इस सिचुएशन में आते हैं जिसको उनके एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये भी मालूम है कि अगर हम लोग इनका इलाज सही समय पे करें और सही समय पे इनको पूरी तरह से अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकें तो इनमें सक्सेस रेट हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सक्सेस रेट हमारा 90 से 95% रहता है। तो प्रवीण की किस्म में भी हमें ऐसा ही पता चला था, इसको शुरुआत से काफ़ी टाइम से जॉन्डिस चल रहा था, डायग्नोसिस हो नहीं पाया था, और जब डायग्नोस हुआ एक बार, जब हमें पता चला कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारी जब बातचीत चली तब एक बार हमने तय कर लिया कि जब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तब इनको हमने बैंगलोर बुला लिया था। तो आपने बैंगलोर बुलाया, लेकिन अगर जो बात करें लीवर की प्रॉब्लम, तो ये एज से मैटर करती हैं या किसी भी एज में हो जाती हैं? जैसे कि बच्ची के जन्म के बाद ही इसे लीवर की प्रॉब्लम थी, वैसे तो कहा जाता है लीवर फैटी ज़्यादा शराब पीने से हो जाता है, लीवर की बीमारियाँ उम्र के साथ आती हैं, लेकिन जन्मे बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है? देखिए लीवर की प्रॉब्लम किसी भी उम्र में हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम होने के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों की जैसे बात करते हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उनकी वो जेनेटिक होती हैं या डेवलपमेंटल होती हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें जो पित्त की नली है वो डेवलप नहीं करती है, जैसे हम लोग बिलरी एट्रीजिया बोलते हैं, तो इसकी वजह से उन बच्चों को पीलिया हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है, उसमें लीवर फेलियर हो जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से या तो तांबा लीवर में जमा हो जाता है, आयरन जमा हो जाता है, उसकी वजह से लीवर फेल कर जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिसमें जिसकी वजह से बच्चों को लीवर फेलियर हो सकता है। बच्चों के लीवर फेलियर के पहले कारण को हम लोग को डायग्नोस करने के इतने तरीके थोड़े कम थे, पर अब धीरे धीरे करके क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस के जो तकनीक बढ़ गई हैं, जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ गई है, तो हमें कई कई सारी जो बीमारियां जो पहले डायग्नोज नहीं होती थी अब उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही समय पर। सही ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ये तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लीवर ऑर्गन की बात करें तो लीवर एक अपने आप को 80% तक डैमेज हो जाए तो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, लेकिन बच्चों के केस में इसकी रिकवरी कितने परसेंट तक होती है?
नहीं, जो जो लिवर है वो आप समझ लीजिए कि अपने बदन का आपका इंजन है। लिवर के कुल मिला के पूरे बदन में 500 से अधिक फंक्शन होते हैं। लिवर ना तो सिर्फ आपके खाने को पचाता है, डाइजेशन करता है, पर बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो केमिकल्स बनते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो लिवर उनको साफ करके बाहर बॉडी से निकालता है। तो जैसे अगर किडनी का, अगर कभी किडनी फेल हो जाए तो बस डायलिसिस करने से, फिल्टर करने से उसके फंक्शन को हम लोग कुछ समय तक मेंटेन कर सकते हैं। पर लिवर के इतने सारे फंक्शन होते हैं कि लिवर के बिना आदमी नहीं चला पाता। इस तरह की डायलिसिस की मशीन अभी तक नहीं है हमारे पास। और बात करें लीवर की, तो लीवर जो डोनर होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो डोनर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, ट्रांसप्लांट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है जब जो उनके खानदान में से कोई उनको मैच करे, जिनका ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो, उनके लिवर का एक छोटा सा भाग लेके पेशेंट को दिया जा सकता है, जिसे लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा होता है अगर कुछ लोग मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, जैसे ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन जैसे बोलते हैं, डिजीज ऑर्गन डोनेशन, उसके उससे भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ऑर्गन्स मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करें, तो 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। जिसमें कि बॉडी पार्ट कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, पैनक्रियास हैं, किडनीज हैं, और जहाँ तक अथड़ी भी है, स्मॉल बाउल है, इन सबको भी हम लोग ऑर्गन डोनेशन से लोगों की जान बचा सकते हैं। जो डेथ के बाद कितने समय का टाइम होता है कि जिसमें बॉडी के पार्ट्स डोनेट किए जा सकते हैं? जो डेथ के भी जैसे हम लोग समझते हैं, डेथ होने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जिसमें जब हार्ट रुक जाता है और ब्लड का जो बॉडी का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जो जिसे हम लोग कार्डियक डेथ बोलते हैं। पर एक और किस्म की डेथ होती है जिसे हम लोग ब्रेन डेथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हादसा हो जाए कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, उसमें ब्रेन के फंक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, पर मरीज जो होता है वो वेंटिलेटर पे होता है, पर उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है चलता रहता है, उसकी वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जहाँ पे ब्रेन डेथ हुई होती है। ब्रेन डेथ हुई हो, ब्लड सर्कुलेशन चलता हो, जी, ताकि ऑर्गन सारे फंक्शनेबल ही ट्रांसप्लांट किए जा सके। बिल्कुल सही बात है। तो सर्जरी का टाइम करें तो कितना टाइम समय लगता है एक सर्जरी का? लिवर ट्रांसप्लांट में कुल मिला के 8 से 10 घंटे लगते हैं पूरी तरह से प्रिपरेशन और ऑपरेशन करने में। उसके बाद जो मरीज होते हैं नॉर्मली 3 से 5 दिन तक आईसीयू में रहते हैं, वो कुल मिला के बट 2-2.5 हफ्ते में उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने ट्रांसप्लांटेशन सेंटर हैं जहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं? इंडिया में अगर अभी कुल मिला के अबाउट 100 से कम ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट होता है। हमारे अनुमान से कि अबाउट 50,000 इंडियंस भारतीय हर साल लीवर की बीमारियों से मरते हैं। तो ज़्यादातर साउथ में ही है, नॉर्थ में लीवर ट्रांसप्लांटेशन के सेंटर नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि साउथ में थोड़ा डेवलपमेंट इस तरह का ज़्यादा है और थोड़ी अवेयरनेस और जागरूकता भी ज़्यादा है, डोनेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ में इस समय जैसे आप देखेंगे कि पूरे पंजाब में और जो लिवर ट्रांसप्लांट है करने के लिए ज़्यादातर लोग या दिल्ली जाते हैं या ऐसे ऐसे किसी सेंटर में जाते हैं। आपसे अक्सर सवाल चलते चलते एक संदेश उन लोगों के लिए जिनसे हम लीवर डोनेशन की गुहार लगा सकते हैं। हाँ देखिए, अगर संदेश देने के लिए मैं आपसे 2 या 3 चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले तो लिवर की बीमारी को समझें। लिवर की बीमारियाँ होती हैं, किसी को भी हो सकती हैं, बहुत समय तक पकड़ी नहीं जाती हैं। तो आप अपने टेस्ट कराएं, ज़रा चेक करें कि आपका लिवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि लिवर की बीमारियों का इलाज संभव है और वो हो सकता है। आज इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया में नहीं हो सकती, अगर हम लोग इसको ठीक समय तक समय पहुँचा से पहचान सकें। ऑर्गन डोनेशन, अंग दान करने से बहुत लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर मृत्यु के बाद आपने ऑर्गन डोनेशन का कार्ड साइन किया है तो लोगों को ये पता रहता है कि आपने इसके बारे में सोचा है, और आप अपने फैमिली को भी बता सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। और जो चौथी जो बहुत अहम बात है, मैं ये बताना चाहूँगा, तो बच्चों के केसेस स्पेशली जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो रेडी होते हैं ऑर्गन डोनेशन करने के लिए, बच्चों का हम लोग इलाज कर सकते हैं। सिर्फ एक फाइनेंस ही एक ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। आज उसके भी साधन हैं। आज हम अगर ऐसे कोई बच्चे हों जिनके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, जिनके फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सके, तो आजकल ऐसी काफ़ी संस्थाएं हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं। और प्रगुण के केस के जैसे हमने अबाउट 120 बच्चों को ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, जिनकी जिनकी हमने मदद क्राउड फंडिंग से और ऐसे संस्थाओं से कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा उनके लिए इंतजाम करके उनका ट्रांसप्लांट किया है। अंग कोई भी हो शरीर का,
ये बहुत ज़रूरी होता है। और शरीर इंसान का ऐसा साथी है जो अंत तक उसके साथ ही चलेगा, तो अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें, शरीर भी किसी भी होने वाली बीमारी को सीरियस लें और इसका इलाज समय पर करें। जैसा कि एक इंसान जाने के बाद अपना शरीर मिट्टी में छोड़ जाता है, लेकिन अगर जो उसने अपने शरीर के अंग डोनेट किए हों तो वो कई लोगों की जानें बचा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, 7 लोगों की जानें एक शरीर से बच सकती हैं। तो अपने अंग को डोनेट करने के लिए ज़रूर असाइन करें और इस चीज़ से आप कई लोगों की जानें बचा सकते हैं। आपके जाने के बाद भी आपका अंश कई लोगों में जिंदा रहेगा। तो इसी के साथ हम आप लेते हैं विदा। कैमरामैन मनोज भगत के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।